हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीडीएस विपिन रावत सहित देश के वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 11 वीर सपूतों की मौत से पूरा देश सहमा हुआ है। बुधवार को शहीद रमेश कुमार चौधरी के स्मारक पर समस्त ग्रामवासी नागाणी ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखकर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर देश के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस दौरान भारत माता के जयकारों से कस्बा गूंज उठा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य दौलाराम मेघवाल एवं नागजी महाराज गौशाला के अध्यक्ष मोटाराम चौधरी, समाज सेवी महेंद्र सिंह परमार नागाणी ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत व अन्य सैनिकों के शहीद होने से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। सीडीएस रावत शौर्य पुरुष थे, उनकी वीरता व साहस के किस्से सदैव याद किए जाएंगे। इस दौरान मालाराम चौधरी, विजयराज चौधरी, जितेंद्र सिंह परमार, राजू भाई चौधरी, कालू सिंह राव, जितेंद्र सेन, काना राम, डाया राम, वना राम, सेला राम, अरविंद सेन, राजा राम आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी की नगाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।